गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये हैं हॉलीवुड के मशहूर एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, यानी कि टोनी स्टार्क, यानी कि आयरन मैन। आज मैं आपको इनकी बायोग्राफी बताने जा रहा हूँ। रॉबर्ट डाउनी जूनियर दुनिया के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय एक्टर में से एक हैं। सुपरहिट फिल्म आयरन मैन और शरलॉक होम्स की वजह से ये पूरे विश्व में मशहूर हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को मैनहैटन, न्यूयॉर्क में रॉबर्ट डाउनी सीनियर के घर में हुआ था। पिता फिल्म निर्माता थे, माँ एल्सी एक एक्टर थी। एल्सी ही वो इंसान थी जिन्होंने रॉबर्ट का एक्टिंग की तरफ रुझान बढ़ाया। रॉबर्ट ने भी बहुत छोटी उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी। केवल 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाउंड की थी। ये फिल्म रॉबर्ट के पिता ने ही बनाई थी। उन्होंने इसके बाद भी अपने पिता की कई फिल्मों में छोटे किरदार निभाए थे। उनके पिता ड्रग्स के एडिक्ट थे। उन्होंने अपने बेटे को केवल 6 वर्ष की उम्र में ही मैरी जुआना का सेवन करने दिया, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। रॉबर्ट तब बहुत छोटे थे तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में समझ नहीं थी। वे भी अपने पिता की तरह ड्रग्स लेने लगे। जब वे 8 वर्ष के हुए तो उन्हें भी ड्रग्स की लत लग चुकी थी। रॉबर्ट का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अपने पिता के साथ लॉस एंजल्स में रहने लगे। वहाँ भी वे ड्रग्स की लत से जूझते रहे। जब वे 16 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वापस न्यूयॉर्क अपनी माँ के साथ में रहने आ गए। वो फिर से फिल्मों की तरफ बढ़े। 1983 से 1990 तक कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। वे लोगों की नज़रों में आने लग गए थे, लेकिन उनकी ड्रग्स लेने की आदत जारी थी। 1990 में उन्होंने कई बार नशे से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पर हर बार निराशा हाथ लगी। अब बॉलीवुड में उनका कैरियर रफ्तार पकड़ रहा था। उन्होंने मीडिया की नज़रों में भी बेहतरीन एक्टर की छवि बना ली थी। उनकी कुछ फिल्में काफ़ी हिट भी हुई। वे 1992 में चैपलिन फिल्म में एक्टिंग की वजह से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित हुए थे। जहां एक तरफ उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स एडिक्शन और विवादों में घिरे रहने की वजह से निंदा भी होती थी। 1992 में उन्होंने शादी कर ली। करीब 3-4 साल तक विवादों से वे बिल्कुल दूर रहे। फिर एक दिन अचानक उन्हें ड्रग्स लेने के लिए 1 साल की जेल हो गई। उन्होंने 1 साल जेल में ही गुजारा, जहां दूसरे कैदी उन्हें पीटा करते थे। ये रॉबर्ट के जीवन का सबसे मुश्किल दौर था दोस्तों। जेल से छूटने के बाद उनकी पत्नी ने भी उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया। 2001 तक उन्हें कई बार अरेस्ट किया जा चुका था। 2004 में उनके जीवन में एक नया मोड़ जब आया, जब वे सुजेन नाम की एक लड़की से मिले। जब वे सुजेन लेविन से मिले तो दोनों ने 2005 में शादी कर ली। सुजैन ने रॉबर्ट के सामने एक शर्त रखी कि अगर साथ रहना है तो उन्हें ड्रग्स छोड़ना होगा। रॉबर्ट ने ड्रग्स और सुजैन के बीच में से सुजैन को चुना। धीरे धीरे वे ड्रग्स से दूरी बनाने लगे। हालांकि शुरुआत में ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हिम्मत
करके उन्होंने इस एडिक्शन को अलविदा कर ही दिया। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का नशा हो उससे जब चाहे जब पीछा छुड़वाया जा सकता है, बस हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यूं तो उन्होंने इस बीच कई सारी फिल्मों में काम किया, पर उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम पल तब आया जब आयरन मैन के लिए उन्हें टोनी स्टार्क के किरदार का प्रस्ताव मिला। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके बाद वे एक बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए। उन्हें पूरी दुनिया से खूब प्यार मिला। इसके बाद से उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती थी, जैसे एवेंजर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, शरलॉक होम्स वगैरह। आज रॉबर्ट को पूरे विश्व में आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। 2017 में आई बाहुबली द कंक्लूजन का बजट 250 करोड़ रुपए था। हाँ, बाहुबली 2 जो 2017 में आई थी उसका बजट था 250 करोड़ रुपए, मतलब 250 करोड़ रुपए। इंडिया में बनी आज तक की सबसे महंगी फिल्म रोबोट 2.0 का बजट भी 543 करोड़ रुपए था। बाहुबली का किरदार निभाने वाले प्रभास को 25 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी, जबकि आयरन मैन के रॉबर्ट को मार्वल स्टूडियो की इस 12वीं फिल्म के लिए 524 करोड़ रुपए मिले थे। दोस्तों, मार्वल स्टूडियो के एक लीड एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। हॉलीवुड रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक एवेंजर सीरीज के प्रमुख अभिनेताओं में से एक रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पिछले साल आई एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के लिए तकरीबन 75 मिलियन डॉलर यानी 524 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। वहीं इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मों में नंबर वन मानी जाने वाली बाहुबली द कंक्लूजन 2017 का टोटल बजट ही 250 करोड़ रुपए था। इसके अलावा इंडिया की सबसे महंगी फिल्म 2.0 का बजट भी 543 करोड़ था, यानी कि रॉबर्ट की एक फिल्म की फीस के लगभग बराबर। रॉबर्ट का मार्वल स्टूडियो से करहार है, उन्हें फीस के अलावा फिल्म की कुल कमाई में से कुछ हिस्सा भी दिया जाता है। इन्फिनिटी वॉर के लिए उन्हें तकरीबन 106 मिलियन डॉलर यानी कि 736 करोड़ रुपए अकेले को ही मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, 736 करोड़ रुपए केवल एक फिल्म के लिए मिले हैं उन्हें। इसमें 75 मिलियन डॉलर यानी कि 524 करोड़ रुपए तो उनकी फीस है और 31 मिलियन डॉलर यानी कि 215 करोड़ प्रॉफिट शामिल है। इस बार भी एवेंजर एंड गेम की सक्सेस के बाद उन्हें फीस के तौर पर 75 मिलियन डॉलर यानी कि 524 करोड़ रुपए मिले हैं। रॉबर्ट इस सीरीज के सबसे ज़्यादा फीस पाने वाले एक्टर हैं, बाकी स्टार की फीस उनके आसपास भी नहीं है। सीरीज की पिछली दो फिल्मों में थोर की भूमिका के लिए, जो हमारे थोर हैं, थोर भाई साहब की भूमिका निभाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ को 21 से 28 मिलियन डॉलर यानी कि 145 से 194 करोड़ के बीच फीस दी गई। वहीं कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाने वाले क्रिस इवांस को 15 से 20 मिलियन डॉलर यानी कि 104 से 138 करोड़ रुपए की तकरीबन फीस दी गई है। वहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आयरन मैन 2 के जरिए स्कारलेट जॉनसन की इस सीरीज में एंट्री हुई थी। वह तब से ब्लैक विडो की भूमिका निभाती है। उन्हें इसके लिए 20 मिलियन डॉलर यानी कि 138 करोड़ रुपए की फीस दी जाती है। तो दोस्तों, हमें इस बायोग्राफी से क्या सीखने को मिलता है? हमें इस बायोग्राफी से यही सीखने को मिलता है कि जो भी हमारे सपने होते हैं या जो भी हमारी इच्छाएं होती है, उन्हें हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हों, चाहे हमारी परिस्थितियाँ स्ट्रॉन्ग हो, चाहे हमारी परिस्थितियाँ वीक हो, हमें हर समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटा मोटा प्रयास करते रहना चाहिए। तो एक दिन हम हमारे सपनों को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। सभी को थैंक यू मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी को टाटा, टेक केयर, बाय।